नवरात्र के 9 दिनों में देवी माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के 9 शक्तियों में से एक स्वरूप देवी चंद्रघंटा का है। आज नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप देवी शैलपुत्री और दूसरा ब्रह्मचारिणी है। जब माता भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त कर लेती है, तब वो आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती है और देवी चंद्रघंटा बन जाती हैं। देवी पार्वती के जीवन में तीसरी सबसे बड़ी घटना के रूप में उनको प्रिय वाहन सिंह प्राप्त होता है, इसलिए माता सिंह पर सवार रहती हैं। माता चंद्रघंटा अपने मस्तक पर मुकुट धारण करती हैं और उसमें अर्धचंद्र और दिव्य घंटी लगी है, इसलिए देवी के स्वरूप को माँ चंद्रघंटा कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार देवी चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं, जिनमें से 2 हाथों में त्रिशूल, गदा, धनुष, बाण, तलवार, कमल का फूल, घंटा और कमंडल है और एक हाथ में आशीर्वाद मुद्रा बनाया है। माँ चंद्रघंटा ने राक्षसों के संहार के लिए अवतार लिया था, इसलिए इनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों की शक्तियाँ समाहित हैं। आइए अब जानते हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए किस विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। नवरात्र के तीसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके माँ की पूजा के लिए लाल वस्त्र धारण करें। उसके बाद शांत और सच्चे मन से माता चंद्रघंटा की पूजा करें। माँ चंद्रघंटा की पूजा में लाल और नारंगी रंग का अधिक प्रयोग करना चाहिए। माता रानी को लाल चंदन, लाल चुनरी, लाल फूल और लाल फल अर्पित करें। देवी दुर्गा के हर रूप को विशेष प्रसाद चढ़ाया जाता है। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं और देवी की आरती करके माँ चंद्रघंटा के मंत्रों का जाप करें। इस तरह माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से साहस के साथ सौम्यता और विनम्रता में वृद्धि होती है।